मैं डॉक्टर कमालुद्दीन शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, DABPG कॉलेज वाराणसी, अपने MA फोर्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकोपैथोलॉजी पेपर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माल ट्रीटमेंट को डिस्कस करने जा रहा हूं। माल ट्रीटमेंट बच्चों और युवाओं के साथ दुर्व्यवहार का नाम है, जो आज पेरेंटिंग की दिशा में एक चुनौती प्रस्तुत हुई है कि सकारात्मक पेरेंटिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां कैसे पैदा की जाएं, क्योंकि एडिक्वेट पेरेंटिंग न होने के कारण बच्चों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। हमारे भारत में तमाम इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। इस दिशा में चिंतन 8-10 वर्षों पहले की बात है कि जब शुरुआत हुई थी, रिसर्चर्स का ध्यान गया था, तमाम इस सिलसिले में अध्ययन हुए थे और अमेरिका में भी इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था और डॉक्टर कैंप ने, तो हेनरी कैंप ने इसे बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम नाम दिया था एक आर्टिकल में, जब उनकी क्लिनिक में इस तरह के तमाम बच्चे गए और देखे कि बिना किसी एक्सीडेंट की वजह से इनमें इंजरीज पाई गई, चोटें पाई गई, तो अमेरिका में विधिवत कई राज्यों से केसेज का विवरण लिया गया, रिपोर्ट्स हुई। हमारे देश में भी इधर ध्यान गया और कानून पारित किए गए हैं। हमारे देश में जो कानून पारित किया गया है वो बहुत ही चर्चा में रहा, इसलिए कि कुछ हृदय भ्रदायक घटनाएं ऐसी हुई, ऐसी मर्माहत करने वाली घटनाएं हुई कि सरकार का भी ध्यान गया, जनाक्रोश उभरा, जिसके चलते हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट 2012 मंजरे आम पर आया और इस तरह के कानून इसके पहले अमेरिका में पारित हो गए थे DHSS के द्वारा। US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने सर्वेक्षण किया था, कानून पारित किया था और हमारे देश में 3 में से 2 बच्चे माल ट्रीटमेंट के शिकार होते हैं और एक अनुमान के मुताबिक भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 53% बच्चे किसी न किसी तरह के सेक्सुअल एब्यूज का शिकार होते हैं। तो यह तस्वीर है, तो इसलिए इस गंभीर समस्या पर विचार करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आइए पहले समझ लिया जाए कि माल ट्रीटमेंट क्या है, बाल दुर्व्यवहार किसे हम कहेंगे। तो माल ट्रीटमेंट पेरेंट्स या केयर गिवर द्वारा कोई ऐसा एक्ट जो इरादतन या गैर इरादतन किया गया हो जिससे बच्चे को हार्म पहुंचता हो या हार्म पहुंचने की संभावना हो, हार्म पहुंचाने के लिए धमकियां मिलती हों, वो माल ट्रीटमेंट की श्रेणी में आएगा या उसे हम माल ट्रीटमेंट कहेंगे। एक और बात है कि जब बच्चों की ज़रूरतों को, हम बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें हार्म पहुंचाने या संभावित नुकसान से बचाने में हम जब असफल हो जाते हैं, माता पिता जब असफल हो जाते हैं, तो उसको भी इस दायरे में रखते हैं। ये बाल दुर्व्यवहार या माल ट्रीटमेंट पेरेंट्स के द्वारा हो सकता है, केयर गिवर्स या कोई अथराइज्ड कस्टोडियन जैसे कोच है, टीचर है या धर्म पुरोहित हों,
चाहे वो पादरी हों, मुल्ला हों, पंडित हों, इस तरह का कोई भी हो, उसके द्वारा किया क्रिया किया गया यह कृत्य भी, एक्ट भी इसमें शामिल होगा। ये US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज द्वारा 2010 में डिफिनीशन दी गई थी, जो एक व्यापक परिभाषा है, जबकि माल ट्रीटमेंट की बहुत ही सीमित परिभाषा दी गई थी कि किसी भी तरह से बिना दुर्घटना के अगर जानबूझकर कोई चोट पहुंचाई गई है तो उसे माल ट्रीटमेंट कहेंगे, जबकि बहुत ही सीमित परिभाषा है। इसमें मेंटल हार्म, फिजिकल हार्म और बाकी जो नुकसानात हैं उसका जिक्र नहीं है, इसीलिए DHHS ने एक मुकम्मल डिफिनेशन दी जिसकी हमने चर्चा की। तो मित्रों, माल ट्रीटमेंट के टाइप्स पर बात कर लें। माल ट्रीटमेंट 4 प्रकार का होता है, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, निग्लेक्ट एंड इमोशनल एब्यूज। फिजिकल एब्यूज से तात्पर्य किसी केयर गिवर्स के द्वारा इरादतन बच्चे को शारीरिक चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना फिजिकल एब्यूज है। मारना पीटना, लात घूंसे से प्रहार करना, पटक देना, काट लेना या जलाना, माने जानबूझकर किया गया ऐसा काम जिससे कि इंजरी होती है, ये फिजिकल एब्यूज के दायरे में आएगा। और ये चोट या इंजरी सिंगल एपिसोड या मल्टीपल एपिसोड के दौरान हुई हो सकती है। ये मामूली चोट से लेकर प्राणघातक चोट तक इसमें शामिल है। वो हेड इंजरी हो सकती है, इंटरनल इंजरी हो सकती है, इसके अंदर शामिल किया गया है। और दूसरा मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, सेक्सुअल एब्यूज़ की, ऐसा कोई एक्ट जहाँ चाइल्ड से किसी एडल्ट के द्वारा सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की जबरी कोशिश की जाती है, उसका उद्देश्य अपने को संतुष्ट करना होता है, उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर, तो इसको इसमें शामिल करेंगे। सेक्सुअल एब्यूज़ में निम्न खास बातें शामिल हैं, इसकी सीमा नहीं है, इसकी मर्यादा नहीं है, इसकी लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन कामुक भाव से बच्चे के सेक्सुअल पार्ट्स को छूना या सहलाना, या पार्टनर द्वारा बच्चे के सामने माने वो जो एब्यूज़र है, पार्टनर नहीं बल्कि एब्यूज़र है, उसके द्वारा बच्चे के सामने अपने सेक्सुअल पार्ट्स का एक्सपोजर करना, प्रदर्शन करना, या बच्चे को एब्यूज़र अपने सेक्सुअल पार्ट्स को सहलाने के लिए मजबूर करता हो, या उसके साथ यौन संबंध बनाता हो, या पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स का खुला प्रदर्शन करता हो, या उसको संचित रखता हो अपने डिजिटल माध्यम से जिसका वो यूज़ मिसयूज़ कर सकता हो, ये सब उसके ज़रिए वो एब्यूज़ कर सकता है, ये सेक्सुअल एब्यूज़ के दायरे में आएगा। अगला प्रकार है निग्लेक्ट, उपेक्षा या निग्लेक्ट। तो पेरेंट्स या केयर गिवर के द्वारा बच्चे से मुंह मोड़ लेने या उसके लिए कुछ न किया जाने वाला एक्ट, जिसमें उसे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड न करना, उसमें डिले करना, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा न करना, जैसे भोजन हो, कपड़ा हो, आवास हो, इन सब को पूरा करने में असफल होना, या ठीक ठाक सुपरविजन न देना, ये सब फिजिकल और इमोशनल नेग्लेक्ट के अंतर्गत आएंगे। इमोशनल एब्यूज को अब हम डिस्कस करेंगे। अधिकार समझकर कोई किया गया कोई ऐसा उपेक्षा भरा काम, जैसे तिरस्कृत करने, अलग थलग करने, या उसको आतंकित करने, उसको भ्रष्ट बनाने, ये सब कृत्य शामिल होता है। इमोशनल एब्यूज़ के कुछ एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे उसको कन्फाइनमेंट में रखने, अपने कैद में रखने, गालियां देने, उसको सोने न देना, उसकी नींद न होने देना, उसके खाना, आवास आदि न देना सुविधाएं, और उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपोज करना बच्चे के सामने, और
क्रिमिनल एक्ट या एब्यूज़ के लिए, ड्रग एब्यूज़ के लिए उसको प्रोत्साहित करना या उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहन देना भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम एक्ट हैं जो इमोशनल एब्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो मालट्रीटमेंट में अपना योगदान देते हैं। मालट्रीटमेंट की अवधारणा को हमने समझा। मालट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने से यह बात एकदम साफ है कि मालट्रीटमेंट की प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल है, और इसके फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसके कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एब्यूज़र की करेक्टरिस्टिक्स है, चाइल्ड की करेक्टरिस्टिक्स है, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शनल प्रोसेस है, और सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं। ये सब कारक हैं जो किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का कारण बनते हैं। तो मैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्यूज़र की चर्चा कर रहा हूँ। लगभग 80% माता पिता अपने बच्चे के साथ एब्यूज़ करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे माता पिता, ऐसा अध्ययनों में पाया गया कि ऐसे माता पिता जिनके पारिवारिक जीवन की शुरुआत बहुत कम उम्र में हो गई है, टीन एज में हो गई है, कम उम्र में हुई है, तो वो आने वाले अपने बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हुए पाए गए। और इसको ऐसे ही नहीं बल्कि पेरेंटिंग स्किल्स के आलोक में से हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग में सब्सटेंस एब्यूज का रेट होता है। इनमें बच्चों की परवरिश के लिए जो वैरायटी ऑफ स्किल्स चाहिए उसमें डेफिसिट पाया जाता है। कहने का मतलब परवरिश के कौशल की इसमें कमी पाई जाती है। ऐसे बच्चे के साथ उनके एब्यूजिव पेरेंट्स पॉजिटिव इंटरेक्शन बहुत ही कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं इंटरेक्शन, और बहुत ही कड़े अनुशासनात्मक तकनीकों का या मोर कोएर्सिव नेगेटिव डिसिप्लिनरी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी तमाम हैं जिसका जिक्र यहाँ समीचीन नहीं है, एक विस्तार से इसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने संकेत किया। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटने फटकारने के कारणों को स्पष्ट नहीं करते हैं, और ये भी देखा गया कि ऐसे पेरेंट्स में ड्रग एब्यूज़ का रेट अधिक होता है। ये भी पाया गया है कि जो अपने बचपन में एब्यूज़ का शिकार हुए रहते हैं वो आगे चलकर भी अपने बच्चों को, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जहाँ तक बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स का सवाल है, तो ये देखने की कोशिश की गई है कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बच्चे को माल ट्रीटमेंट का टारगेट बनने में मददगार होती हैं। इसके लिए छोटे बच्चे अधिक मोस्ट वनरेबल पाए गए हैं, माने अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जन्म से लेकर के एक वर्ष की अवधि माल ट्रीटमेंट के लिए हाई रिस्क वाली होती है, और ऐसा देखा गया है कि जो चार वर्ष के बच्चे हैं, चार वर्ष से छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनमें एक तिहाई माल ट्रीटमेंट के शिकार हो जाते हैं। शोध अध्ययनों से यह भी देखा गया है कि जो दिव्यांग बच्चे और किशोर हैं जिनके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार हैं, ऐसे किशोर और बच्चे माल ट्रीटमेंट के जोखिम से भरे हुए होते हैं, उनमें रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है। तो मित्रों, इस तरह से बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है उसका भी जिक्र किया। माल ट्रीटमेंट के सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज और एब्यूज़, विशेषकर नेगलेक्ट का संबंध एक पाया जाता है, इनमें एक रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे परिवारों की भी संख्या अधिक है जो डिसएडवांटेज का एक्सपीरियंस करते हैं फिर भी अपने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं।
तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। पावर्टी और माल ट्रीटमेंट की रिलेशनशिप अन्य कारकों के चलते भी हो सकती है, अध्ययनों में पाया गया है। तो मित्रों ये कारण है, और इसके साथ साथ मैं इन कारणों के साथ साथ माल ट्रीटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करने जा रहा हूँ। तो चाइल्ड माल ट्रीटमेंट बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ती है। इसके चलते माल ट्रीटमेंट के चलते इम्प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट होता है, साथ ही इनके अंदर कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल और अन्य स्किल्स हैं जो इम्पेयर्ड होते हैं, और उसके साथ साथ ही ब्लाइंडनेस, सेरेब्रल पाल्सी और हेड ट्रामा के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर ये हार्ट, लंग और लीवर डिजीज़ के लिए इनमें ज़्यादा रिस्क होता है। ओबेसिटी, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखी जाती है। इनमें एंग्जाइटी अधिक होती है, ये स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज़ के भी शिकार हो जाते हैं। तो जहाँ तक फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, US में अब्यूज़ और निगलेक्ट से मरने वालों की संख्या 1570 पाई गई, और प्रति 10,000 बच्चों में 2.1 लगभग दो व्यक्ति मरे, माने दो बच्चों की मौतें हुई। तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के कारण ब्रेन की बनावट, माने उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बुरी तरह प्रभावित होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में कॉग्निटिव, लैंग्वेज और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ इम्प्रॉपरली प्रभावित हुआ, ऐसा स्टडीज में पाया गया। और साथ ही साथ एब्यूज के परिणाम स्वरूप बच्चों में सीवियर और फेटल हेड ट्रामा का एक्सपीरियंस हो सकता है। और नॉन फेटल कॉन्सिक्वेंसेज में पाया गया विजुअल इम्पेयरमेंट, मोटर इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इनमें देखा गया। तो जो बच्चे अपने बचपन में माल ट्रीटमेंट के अनुभव से गुजरते हैं, वो आगे एडल्ट होने पर उसमें एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स और इफेक्ट्स एंड सर्टेन क्रॉनिक डिजीजेज की होने की संभावना है, जिसका जिक्र मैंने किया, उसके लिए रिस्क रहता है। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें हम, एक लॉन्ग टर्म स्टडी के अनुसार 80% यंग एडल्ट्स में जो एबीज को शिकार हो गए थे, 21 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते किसी न किसी एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की क्राइटेरिया को पूरा करते हुए पाए गए। तो इन यंग एडल्ट्स में कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी गई, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर और सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ये सब विकार शामिल थे, ये समस्याएं शामिल थीं। फिजिकल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्रोनिक अब्यूज के परिणाम स्वरूप एंग्जाइटी पैदा हो सकती है, जो आगे चलकर माल ट्रीटमेंट के शिकार बच्चे में PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर और लर्निंग, अटेंशन और मेमोरी से संबंधित डिसेबिलिटीज भी देखी जा सकती है। और इसका बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज ये होता है कि ऐसे बच्चे जो माल ट्रीटमेंट का अनुभव करते हैं, उनमें स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म भी देखा जाता है, उनमें इसकी गिरफ्त में आने का रिस्क अधिक रहता है। और ये सेक्सुअल बिहेवियर में इंगेज होंगे, इसकी भी संभावना अधिक रहती है। और चाइल्ड अब्यूज और निगलेक्ट का जिनका भी इतिहास रहा है, वो गैर कानूनी ढंग से 1.5 गुना ड्रग अब्यूज का सेवन करते हुए, खासतौर से मैरिजुआना को लेने की संभावना इनमें अधिक रहती है। एब्यूज्ड और निगलेक्टेड चिल्ड्रन से रिलेटेड स्टडीज में पाया गया कि ऐसे बच्चों से कम 25% बच्चे डेलिक्वेंसी, टीन प्रेगनेंसी एंड लो एकेडमिक अचीवमेंट देखा गया। कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चों में आगे चलकर एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में भी पाया गया कि जुवेनाइल के तौर पर अरेस्ट होने की संभावना ऐसे बच्चों की अधिक होती है और ग्रेजुएट तक पहुँचते पहुँचते या असफल हो जाते हैं, वहाँ तक ग्रेजुएशन का मुंह देखने में नाकामयाब हो जाते हैं। उसके साथ साथ इनके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर भी देखा गया, ये वायलेंट क्राइम की गिरफ्त में
भी नज़र आए, तो जिनका अर्ली चाइल्डहुड में जिन बच्चों का माल ट्रीटमेंट हुआ था, यह प्रभाव रहा कि एडल्टहुड में ऐसे स्त्री और पुरुषों में उनकी एबिलिटी पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया तथा वो एडल्टहुड में इंटीमेट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश और मेंटेन करने में भी नाकामयाब पाए गए। तो मित्रों, ये आपके सामने हमने माल ट्रीटमेंट, उसके टाइप्स, उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और कॉन्सिक्वेंसेस की चर्चा की। उम्मीद है आपने धैर्यपूर्वक सुना होगा। मैं फिर आगे किसी वीडियो लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा, डिस्कस करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।